नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि कंपटीशन की जो हमारे वीडियो है अभी 2-3 दिन से नहीं आ पाए थे, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। कुछ अर्जेंट कार्य के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस शुरू हो चुकी है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। उसमें ऑफलाइन तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन में उनको बच्चों को वीडियो देखते नहीं आता है, वीडियो गायब हो जाता है, कभी आवाज़ ही गायब हो जाती है, उनको लिखते नहीं आता है, तो उसके लिए हम उनको सिखा रहे हैं। अभी कल और परसों और सिखाएंगे, उसके बाद में 5 तारीख से कंटिन्यू क्लास शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। और बाकी और कार्य थे जिनकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी, उसके बाद में आपके वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे जब 5 तारीख के बाद में। और वैसे ये वीडियो डाला है उसके बाद में, अभी पूरी कोशिश रहेगी कि कल भी डल जाए वीडियो, परसों भी डल जाए, अभी कंटिन्यूटी रहेगी। आपको मैंने इसकी जानकारी भी नहीं दी थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन ऐसा मैं इमरजेंसी में फंस गया था, इसलिए नहीं बता पाया था मैं। तो चलिए, हमने भाग अध्याय 4 के अंतर्गत भाग 4 तक देखा था, भाग 5 की बात करेंगे हम। भाग 5 में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर हमारा अनुपात और समानुपात का है। क्वेश्चन है, एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों का अनुपात 5:3 है, यदि कुल स्टाफ 240 है तो डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना कि कुल कितना है और फिर बाद में अनुपात कितना कितना दे रखा, उसके बाद में हमको पूछा क्या गया है उसका ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो कुल कितना है 240, फिर दूसरा क्या याद रखना है कि किसकी किसकी कितनी कितनी संख्या है, यानी कि अभी हमारे पास दे रखा डॉक्टर दे रखा और एक नर्स दे रखी, तो इसमें डॉक्टर कितने हैं 5, डॉक्टर का अनुपात कितना है 5 और नर्सों का अनुपात कितना है, नर्सेस या नर्से, नर्स कितनी है, नर्स का अनुपात है 3। अब हमको क्या निकालना है, डॉक्टर निकालना है, तो डॉक्टर जब निकालना तो कैसे निकालते हैं, जो अनुपात रहता है उसको जोड़ देते हैं और भाग देते हैं उसमें। तो चलो देखें हम कैसे करें। डॉक्टरों की संख्या पूछ रखी, तो डॉक्टरों की संख्या, डॉक्टर का जो अनुपात रहता है वो, फिर बाद में कुल स्टाफ कितना 240, और भाग किसका देते हैं, दोनों अनुपातों को जोड़ के भाग देते हैं, तो दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 5+3 तो हो जाएगा 8, 8 + 8, 8, 3, 24 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 3, 15 यानी कि 150, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। हमको डॉक्टर पूछा था, बात समझ में आ रही होगी क्या करना है, एक तो हमको कुल कितना है वो याद रखना है, फिर बाद में किसकी संख्या कितनी दे रखी है वो अलग अलग याद रखना है, और पूछा क्या है उसका डायरेक्ट ऐसे करना है, जिसका पूछा है डॉक्टर का पूछा था हमने 5 लिया और कुल का गुणा किया और बट्टे में भाग किसका देते हैं, दोनों अनुपातों को जोड़ के, अगर 3 होंगे तो 3 अनुपातों को जोड़ के। अगर हमको यहाँ पे नर्सों की संख्या पूछी जाती तो क्या होता, नर्सों की संख्या, अगर हमारे प्रश्न में डॉक्टर पूछ रखे हैं हमारा उत्तर ये रहेगा, लेकिन अगर मान लिया कि नर्सों की संख्या पूछी जाती तो क्या करते, किसका गुणा करना पड़ता हमको, नर्सों का अनुपात कितना था 3, क्या करते फिर कुल का गुणा, कुल कितना है 240 और भाग किसका देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो आता उसका, इसका गुणा कर दिया हमने 8 + 8, 8, 3, 24 कितना जाएगा 3, 9 और 1, 0 तो ये हो जाएगा
नर्सों की संख्या कितनी है 90, नर्सों की संख्या पूछी जाती तो ये उत्तर होता, डॉक्टर की संख्या पूछी जाएगी तो ये उत्तर होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम अगला सवाल देखें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नर्सों की संख्या है 90, गुणा करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मेज और पंखे का मूल्य 4000 रुपये है, यदि इनके मूल्यों का अनुपात 3:2 है तो मेज का मूल्य ज्ञात करो। हमको पूछा है मेज का मूल्य, हम ज्ञात करेंगे दोनों, लेकिन हमको पूछा क्या है मेज का मूल्य, तो क्या करते हैं। अभी हमने देखा था क्या देखना हमको, एक तो कुल देखना है, कुल कितना हमारे पास 4000, ये कुल है। फिर बाद में कि कौन कौन सी चीजें दे रखी, दो दे रखे हैं, दो, एक तो है मेज और दूसरा है पंखा। तो मेज 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 और पंखे का अनुपात कितना है 3:2, तो मेज कितना है 3 और पंखे पंखे का अनुपात कितना है 2। अब हमको पूछा क्या है, कैसे निकालना है। अभी हमने बात करी थी मेज का मूल्य पूछा है, मेज का, तो मेज का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मेज का मूल्य जो अनुपात आता वो, यानी कि मेज का जो अनुपात है वो कितना है 3 गुणे कुल, जो टोटल रहता है उसका गुणा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के भाग देते हैं। तो दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, 3 और 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 5, 5 एकम 5, 5 8 40 और 2 0 8 3 24, कितना होगा 24 और 2 0 यानी कि 2400 रुपये, 2400 रुपये यह आ जाएगा आंसर। किसका पूछा है, मेंज का पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। अगर हमको पंखे का मूल्य ज्ञात करना होता तो पंखे का भी ज्ञात कर लेते हम साथ साथ में, तथा पंखे का मूल्य, पंखे का मूल्य बराबर पंखे के मूल्य के लिए क्या करेंगे, पंखे का अनुपात कितना 2, तो 2 गुणित क्या करते हैं कुल, जो भी कुल रहता है टोटल, बटे में क्या करते हैं उसका दोनों अनुपातों को जोड़ के भाग देते हैं। दोनों को जोड़ने पे कितना आया था 5, 5 एकम 5, 5 8 40 और ये 2 0, 8 2 16, ये कितना हो गया 1600 रुपये। पंखे की कीमत कितनी है, 2 पंखों की कीमत है 1600 रुपये। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारे पास, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्या है मतलब याद कैसे रखना, कैसे करते हैं उसको याद रखना पड़ेगा। सोहन और मोहन की आय का अनुपात 8:5 है, यदि सोहन मोहन से 2700 रुपये अधिक कमाता है तो बताओ कि सोहन की आय कितनी होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मान लेंगे एक है 8, दूसरा है सोहन, कितना है 8 1 समान लिया, माना कि सोहन की आय, सोहन की आय बराबर 100 रुपये, तब क्या हो जाएगा 8 1 - 5 1 बराबर 2700, क्योंकि सोहन मोहन से अधिक कमाता है, ये सोहन है और ये मोहन है, सोहन और मोहन, तो क्या करना है, अधिक कमाता है इसलिए उसको लेस कर देंगे, इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा 3 x और ये बराबर में कितना है 2700, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 9 27, 900 आएगा, यानी कि 100 बराबर कितना है 900, 100 बराबर 900, ये 100 का मान आया। अब हमको मान किसका निकालना है, मोहन का निकालना, तो 5 x, सोहन का निकालना तो 8 x, ये है इसकी आय। इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूं, माना कि तब क्या हो जाएगा, मोहन बराबर 8 x
तथा सोहन बराबर बराबर 5x, ताकि हमको याद रहे। अब हम क्या करें, इसके आई निकालें। कैसे निकालेंगे, 8x माइनस 5x बराबर 27, कितना आएगा 3x बराबर 27, ये कट जाएगा तो कितना होगा 900। सोहन की आय यानी कि 8, एक सौ बराबर 8 गुणित 100 का मान कितना 900, तो कितना हो जाएगा 8 × 72 और 2 0, तो ये है सोहन की आय, कितनी है 7200। अगर मोहन की पूछी जाती तो क्या होता, तथा मोहन की आय बराबर, मोहन की आय कितनी हो जाएगी 5x बराबर 5 गुणे 900 × 45। मोहन की पूछी जाती तो मोहन की ये, सोहन की ये। हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ से करना है यहाँ तक, ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन याद तो रखना पड़ेगा किस तरह से हमने किया है। उतारिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला सवाल देखें। ये सवाल आप लोगों के लिए है, हमने दो टाइप के सवाल करे हैं और दोनों टाइप में एक एक सवाल दिया आपको। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में कुल 480 विद्यार्थी है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, हमने सवाल किए हैं उसी प्रकार से करना है। दूसरा सवाल है अपने पास, एक टीवी और स्कूटर के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि टीवी का मूल्य स्कूटर के मूल्य से 8000 रुपये अधिक है तो बताओ कि टीवी का मूल्य कितना होगा। ये दोनों ही सवाल आप लोगों के लिए हैं, इनको अच्छे से कर लें, फिर आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।